गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज न्यू टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ये होता क्या है और समझिए क्या होता है। यानी फंडामेंटल होता है ए क्रॉस बी इक्वल मॉड ए मॉड बी साइन। कुछ बुक्स में ऐसा कुछ मेंशन होता है ए क्रॉस बी ए बी साइन जनरल फॉर्मेट एंड नॉर्मल फॉर्मेट। ये जो बुक्स में मेंशन है आप समझिएगा क्या होता है और आगे होता है एन कैप, इसका मतलब होता है नॉर्मल। क्या मतलब होता है? यानी कि ओके याद रखिएगा इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी हमारी। हमने पढ़ा रखा है कि इंग्लिश में इसको कोज्जा बोलते हैं, जहां को साइन थीटा बोलते हैं। यानी दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल, दोनों वेक्टरों के परिमाण और कोज्जा के गुणनफल के बराबर होता है। परिमाण का मतलब होता है मॉड। परिमाण का मतलब क्या होता है? मॉड। तो मॉड ए मॉड बी दोनों वेक्टरों के परिमाण का गुणनफल, परिमाण तथा कोज्जा के गुणनफल के संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल। यानी इंग्लिश मीडियम इन्हीं दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, उन वेक्टरों के मैग्नीट्यूड्स और साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दो वेक्टरों का कोई क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। कि दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और कोज्जा के गुणनफल के संख्यात्मक मान के बराबर। ये यार बात याद रखिए। यहां पर कभी केस पूछ सकता है कि नॉर्मल वेक्टर बताओ, तो बेटा ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी। याद रखिएगा हम लोग इसको निकालना भी सीखेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद। चलिए तो पहली में आती है प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज? तो देखिए प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? कम्यूटेटिव, सी डबल एम यू। कौन सी प्रॉपर्टीज आती है बेटा? कम्यूटेटिव। इसको हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय का नियम। यानी ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है, यानी ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस बी क्रॉस ए। याद रखिएगा ए क्रॉस बी लिखा है, फिर इसको हम चेंज करेंगे बी क्रॉस ए करेंगे तो साइन हमारा किसका लग जाएगा? माइनस का। ठीक, अब आता है लंब सदिश गुणनफल। पहली, दूसरी, जब परपेंडिकुलर। कैसे हो? परपेंडिकुलर यानी लंबवत। तो हम लोगों ने एक बार पढ़े ए क्रॉस बी बराबर क्या पढ़ा? ए बी साइन थीटा पढ़ा है। तो यदि परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बेटा? 90। कितना हो जाएगा बेटा? 90। कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट बात, नेक्स्ट टॉपिक गौर सुनिएगा। लंब कोणी, ये बेटा न्यूमेरिकल केस के लिए यही केस जरूरी होता है। लंब कोणी एकांक सदिश का
गुणनफल ऑर्थो गोनल वेक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। या कुछ लोग इसको ये भी बोल सकते हैं यूनिट ऑर्थोगोनल। ये होता कैसे सुनिएगा, पहले आप समझ लीजिए। कभी भी एक्स एक्सिस हो तो हम लोग आई कैप लेंगे यानी आई कैप। यदि वाई एक्सिस होता है तो हम लोग जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस होता है तो हम लोग के कैप। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट होता है। और यदि कभी प्लेन की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, प्लेन यानी समतल की बात करें हम लोग, तो जो समतल की बात करते हैं, यदि एक्स वाई लिखा है, यहाँ गायब क्या बेटा एक्स और वाई, गायब क्या जेड, तो यहां लेंगे जेड वाई, गायब क्या हमारा एक्स, तो यहां वाई कैप लेंगे। अब जेड वाई के बाद क्या आता है, जेड एक्स, गायब क्या हमारा जेड और एक्स, गायब क्या हमारा। ठीक, लॉजिक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब एक सिस्टम बना लीजिए आई यहां तो जे और यहां तो के, यहां आई होता है यहां जे होता है यहां के होता है। लॉजिक समझिएगा, तो पहले हम करेंगे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आगे क्या आता है बेटा के कैप। ये जो हम करेंगे जे क्रॉस के क्या आएगा आई, और ये कर दें के क्रॉस आई तो क्या आएगा जे कैप। ये लॉजिक। अब हम लोग उल्टा जी चले, कभी आई क्रॉस के उल्टा करें, यहां माइनस का क्या होगा आई क्रॉस के, माइनस का क्या होगा बेटा जे, के क्रॉस जे माइनस का क्या होगा बेटा आई कैप। अब जे क्रॉस आई माइनस का क्या होगा के। ये दो वेक्टरों को हम अपोजिट लेके चलते हैं, क्या लेके चले हम अपोजिट। अब आता है हम आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाते हैं वो सीखिएगा। देखिए कैसे, गौर से नोटिस करिएगा क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है और बेटर देन बहुत गजब का। सुनिएगा हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हम ले लें वेक्टर ए ले लें, तो ए का मतलब होगा टू आई का, थ्री जे का, और यहां पर फोर के कैप ले लिया। बी बराबर ले लिया आई कैप, थ्री जे कैप, टू के कैप, ऐसे ले। अब इन दोनों को कह दिया जाए क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या करो क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल याद रखिएगा। तो हम जैसे मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले क्या करेंगे, ये साइन होता है बेटा डिटरमिनेंट्स का, किसका साइन होता है डिटरमिनेंट्स का, तो हम लिखेंगे यहां आई कैप पहले, फिर जे कैप, और फिर क्या लिखेंगे के। इतना लिख दिया हमने। अब आई का गुणांक क्या है पहले यहां पर टू, जे का कितना है यहां पर आई का वन, जे का कितना है थ्री यहां पर भी थ्री, के कितना फोर एंड इतना लिखना आपको आ गया कि आई गुणांक कितना दो, यहां आई गुणांक वन, यहां जे गुणांक तीन, यहां भी तीन, यहां फोर। और अब क्या करेंगे पहले लिखेंगे आई और लगा दीजिए ब्रैकेट। तो जो लिखते हैं याद रखिएगा, ऐसे जो होता है जैसे ऐसे लिखे, तो जो इस टाइप के टर्म होते हैं उनको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं रो, और जो ऐसे लिखा हुआ है इस तरफ उनको बोलते हैं कॉलम, क्या बोलते हैं, यानी इनको बोलते हैं पंक्ति और उसको बोलते हैं स्तंभ। एक बात याद रखिएगा, जैसे हम आई को साल कर रहे हैं उसके नीचे का कॉलम और सामने की रूप क्या करते थे गायब कर दे, आई साल कर रहे हैं ये गायब होगा और ये गायब होगा, और यानी जिसको सॉल्व करते उसके नीचे का टर्म गायब हो जाते हैं। जैसे हम आई को सॉल्व कर रहे हैं ये गायब, तो क्या बचेगा थ्री कामा थ्री फोर कामा,
अब आई यदि प्लस का लेते हैं तो जे किसका लेंगे? माइनस का। तो जे लेने हमने कहा जो लेते हैं उसके नीचे का सामने गैप कर देते हैं। अच्छा दो एक और चार, और आपने जे माइनस कर लिया तो के किसका लोग बेटा प्लस। हम क्या करते हैं इसके लिए ये गायब कर देंगे, ये गायब कर देंगे, बचा क्या दो एक तीन। ओके अब हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा तुम लोगों को, थ्री टू जा सिक्स और बीच में किसका साइन लगता है माइनस का, फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस सिक्स। हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई टू टू जा माइनस का साइन लगेगा फोर वन जा प्लस के, थ्री टू जा सिक्स थ्री वन जा तो आई बेटा यहां कितना बचेगा माइनस का सिक्स माइनस का जे बेटा फोर है फोर गया तो क्या बचेगा जीरो के यहां क्या बचा थ्री तो क्या आएगा माइनस का सिक्स आई कैप माइनस का जीरो जे कैप प्लस का थ्री के। कोई दिक्कत? एनी डाउट्स? होना भी नहीं चाहिए पक्का क्लियर? ग्यारह ग्यारह तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे तब हमने फिर बताया था आज और एक दो बता दे रहे हैं जैसे कि सुनिएगा ये हमने बताया आपको क्रॉस करना, कल हमने बताया था डॉट करना, यदि डॉट करना होता तो दोबारा देख लीजिए क्या बताया था हमने आई टू आई थ्री जे एंड फोर जे एसेंशियल आई थ्री जे एंड टू जे। तो बेटा आई को आई के साथ जे को जे के साथ और के को तो टू आई डॉट आई थ्री थ्री जा नाइन जे डॉट जे फोर टू जा के डॉट। हमने कहा था ना आई को आई के साथ कराते हैं जे को जे के साथ कराते हैं और के को के साथ तो आई डॉट आई कितना होगा वन जे डॉट जे कितना होगा वन के डॉट कितना के होगा वन तो नौ दो नौ आठ सत्रह और यदि इसका मॉड निकालें हम लोग तो हमने कहा पहले रूट का साइन लगाओगे आई का कोएफिशिएंट कितना दो का स्क्वायर आई का कोएफिशिएंट कितना दो जे का थ्री और के का फोर स्क्वायर इस तरह मॉड निकालते हैं फोर प्लस नाइन प्लस का सिक्सटीन चार नौ तेरह प्लस सोलह कितना हो जाएगा ट्वेंटी नाइन। कोई दिक्कत? ऐसे भी मॉड बी निकालना कह दे तो आप पहले क्या लगाएंगे रूट आई का कोएफिशिएंट जहां कुछ नहीं होता वहां वन का स्क्वायर जे का मतलब थ्री का स्क्वायर के मतलब टू का स्क्वायर वन नाइन और एक कितना आ जाएगा। ये होता है तरीका किसी चीज का मॉड निकालने का। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइम। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रोजेक्ट टाइम। अच्छा याद रखिएगा क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोजेक्ट टाइम। ओके तब तक के लिए गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रभात एंड सब बाय।